सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके जो है साथ में आप काफी अच्छी इमेजेस इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो, और वो भी फोटोशॉप के अंदर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो होता है कि इसको कर दो, जो भी अपन इफेक्ट क्रिएट करेंगे उससे पहले सबसे पहले आपको सैचुरेशन कर देना कम, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कर देनी है। ओके, अब इसके बाद में आपकी इमेज सही लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जाएंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट और इसमें जाके हल्का सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दीजिएगा, सो दैट आपकी इमेज काफी अच्छी एक कॉन्ट्रास्टी इमेज बन जाए। राइट, अब सही लग रहा है। फिर सबसे ऊपर जाना है सॉलिड कलर लेयर में, लेकिन इससे पहले आप एक काम करना, फिर हम जाएंगे व्यू के अंदर, न्यू गाइड लेआउट। अब यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इस टाइप की जो रूलर्स है वो आ जाएंगे, जिनके थ्रू हम जो है आराम से अपना जितने भी पैटर्न्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलम्स पर टिक करना है, नंबर छोड़ देना है 3 का। राइट, अच्छा, इसमें अगर डिफॉल्ट पे हो या किसी और पे हो तो उसको कस्टम पे करके सेट करके फिर आप कर सकते हो। ठीक है, फिर कॉलम पे और 3 पे, और आपके पास में ऐसे 3 सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे, देन क्लिक ओके। सो ये आपके पास में हो जाएगा, और फिर जाना है व्यू में और लॉग गाइड्स, ताकि आपकी गाइड्स जो है कहीं पर भी हिले ना। ठीक है, फिर आपको जाना है सॉलिड कलर के अंदर, और सॉलिड कलर के अंदर आप जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सो आई एम चूजिंग अ ब्लू कलर, और यहां पर जाके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से मल्टीप्लाई, इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, सिंपली एक सेलेक्शन क्रिएट करना है जो कि बिल्कुल यहाँ रूलर तक रहेगा, और यहाँ पे कर देना है इसको मास्क सेलेक्ट करना है, और कर देना है कंट्रोल आई, फिर कर देना है कंट्रोल डी। इससे क्या होगा, कंट्रोल आई करने से आपका जो वाइट एरिया था वो ब्लैक हो गया। सी, हमारे पास में ये जो एरिया था, जो सेलेक्टेड एरिया था, वो वाइट था तो ब्लैक हो गया, ये ब्लैक होगा तो वाइट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल डी करने से हमारा सेलेक्शन यहाँ से रिमूव हो गया। फिर जब सेलेक्शन रिमूव हो जाए, देन आपको वापस से मास्क सेलेक्ट करना और कर देना कंट्रोल आई। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, आपको सेलेक्शन नहीं बनाया था इसलिए क्या हुआ, इस पूरे कैनवस का कलर्स इन्वर्ट हो गए, जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया। राइट, ओके, अब एक और सेम इसकी जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल जे, और इसका मास्क कर लेता हूँ मैं डिलीट, और इसको दे देते हैं एक मास्क। राइट, और इसका जो कलर है वो सेलेक्ट कर लेंगे इस बार, यहाँ पर इस विंडो को देख करके सेलेक्ट करना कि किस टाइप का लगेगा ये इफेक्ट। ठीक है, और रेड में ही लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लाइट ले चलते हैं। राइट, दिस इज लुकिंग नाइस। ठीक है, ये ले लेते हैं, नाउ इट्स लुकिंग नाइस, परफेक्टली फाइन। अब वापस से वो एक सेलेक्शन बनाते हैं इस तरफ से जो कि यहाँ तक रहेगा, देन अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई, कंट्रोल डी, कंट्रोल आई, सेम 3 इफेक्ट्स। तो आपके पास में कुछ इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और अब अगर अपन हाइड जो गाइड्स हैं, अगर हाइड करना चाहें अपन हाइड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से सीधा क्लियर ही कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे करते हैं क्लियर, और अब अगर आप देखें तो हमारे पास में इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इस टाइप के इफेक्ट्स आपने काफी जगह पे देखे होंगे जिसके अंदर हम या तो सिंगल कलर के ऊपर करते हैं पूरा का पूरा इफेक्ट, लाइक अगर मैं ब्लू कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ब्लू चलाता हूँ, या रेड करते हैं, या फिर सीधा ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, अब अगर इसको यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, अब देखो सेम इसी को सेलेक्ट करते हैं, इसको कर लेता हूँ मैं और छोटा। राइट, और ब्लू वाले को कर लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, कुछ इस टाइप से, तो आपके पास में एक ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, लेट्स से इफेक्ट। ठीक है, सो इफेक्ट लिख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत है इफेक्ट की। ओके, नाइस, कलर सॉरी फॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं, और यहां पर हमारे दोस्त में इसको छोटे में कर लेते हैं, ई को भी अपन जो है छोटे में लिख करके। व्हाट अबाउट अगर सैक्रामेंटो यूज करें, और अगर अपन इसका ई बड़ा कर दें, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो किसी भी इमेज के साथ में। राइट, इफेक्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं दैट मेक्स योर डिजाइन
और इस पूरे फॉन्ट का जो है फॉन्ट चेंज करके कर लेते हैं मॉन्सरात, ठीक है, रेगुलर साइज छोटा कर लेते हैं इसका, सॉरी कंट्रोल टी और ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा छोटा, इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर और इसको जो है रेगुलर की जगह बोल्ड यूज करते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेंडी, और इसका साइज कर लेते हैं फुल बड़ा, इफेक्ट का कलर कर लेते हैं येलो, राइट, दैट मेक्स योर डिजाइन व्हाइट ही छोड़ देते हैं और इसको बस हल्की से एक शेडो दे देते हैं सो दैट ये थोड़ा येलो से थोड़ा सा अलग हो जाए, राइट, इसमें लास्ट अपन रीसेट और डिफॉल्ट कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं और ओपेसिटी भी हल्की सी, ठीक है, ट्रेंडी इट्स लुकिंग अमेजिंग। और व्हाट इफ अगर अपन इस लाइन के पीछे एक बैकग्राउंड ऐड कर दें, राइट, और इस बैकग्राउंड का कलर अपन स्ट्रोक हटा देते हैं और कलर दे देते हैं पीछे का ब्लूइश, और अगर अपन अब इसकी शेडो हटाना भी चाहें अपन हटा सकते हैं, अच्छा लगेगा, तो कुछ इस टाइप से आप इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो किसी भी टाइप का ट्रेंडी इफेक्ट, राइट, सिंपल एक इमेज को यूज करके अगर आप करना चाहो तो भी आप कर सकते हो और आपके पास में ऐसे टाइप का एक ट्रेंडी इफेक्ट जो है आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।